प्रताप भाई का नाम है, और पीछे देखो भी लक्ष्मी माँ और गणेश जी की भी और महादेव की फोटो लगाई हुई है इन्होंने। A1 ऑटोज नंगर पार्कर लिखा हुआ है उर्दू में, और मिस्त्री धन जी। धन जी कौन है? यहाँ पर कितने हिंदू लोग रहते हैं? ये सीढ़ियां हैं और ये महादेव का मंदिर है, वो देखो। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नंगर पार्कर में, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा एक सिटी है थरपारकर का, अभी हम वहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, तो आपको भी घुमा देते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको यहाँ का शहर, जो बाज़ार है, छोटा सा शहर है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये दुकानें हैं, तो यहाँ पर भी जो है मतलब 50-50% है हिंदू भी, मतलब 50% हिंदू हैं और 50% जो है मुस्लिम हैं यहाँ पर। तो राइट नाउ जो है हमारी ये बाइक है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अजय देवगन वाली बाइक हम लेकर घूम रहे हैं, तो ये किसी दोस्त की है, उससे लेकर आए थे, ठीक है, इस्लाम कोर्ट से। तो ये भाई जो है यहाँ पर ये वायर लगा रहे हैं क्लच की, तो क्लच तार लगा रहे हैं, क्लच की तार जो है ये टूट गई थी हमारी। तो पूरे रास्ते मैंने ऐसी मोटरसाइकिल चलाया, तो अभी यहाँ पर बाजार में आकर ये हम जो है ना तार डलवा रहे हैं। ये देखें भाई, क्या नाम है आपका? गोविंद। तो भाई का नाम है जी गोविंद, ठीक है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ दुकानें हैं, देख सकते हैं, ये दुकान है मेहरान डेकोरेशन पहले थी, और अभी यहाँ पर ये भाई हैं। भाई राम राम, आपका नाम? प्रताप भाई जी। प्रताप भाई, प्रताप भाई का नाम है, और पीछे देखो भी लक्ष्मी माँ और गणेश जी की भी और महादेव की फोटो लगाई हुई है इन्होंने अपनी शॉप के अंदर। तो ये किस चीज़ की शॉप है? आटा भी है और जो बाजरा भी है, और बाजरा है, सही, चोकर भी है। हाँ, खल जिसे बोला जाता है, हाँ, जानवरों को डालने के लिए होता है। तो दोस्तों ये देखें, मैं वो खल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आटा इस्तेमाल होती है ना, अच्छा अच्छा सही। तो दोस्तों यहाँ पर आटा वगैरह है, भूसा वगैरह, और ये खल वगैरह। तो ये शॉप है भाई की, प्रताप भाई ने नाम बताया, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये प्रताप। आगे क्या लिखा है? चारण। चारण की आपकी कास्ट है? अच्छा, प्रताप चारण भाई की ये कास्ट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मजीद आगे चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं, ठीक है। और ये रहे मक्खन राम, ठीक है, ये देखो। तो ये देखो भाई, ये भी एक दुकान है, ये भी आपको विजिट करवा देते हैं। तो ये देखो, ये है A1 ऑटोज नंगर पार्कर लिखा हुआ है उर्दू में, और मिस्त्री धन जी। धन जी कौन है? ये है, अच्छा वो है, अच्छा। तो धन जी वो बाहर खड़े हैं, बाइक को ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भाई, आपका क्या नाम है? विशन दास भाई का नाम है, और ये यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स भी रखे हैं, और मोटर बाइक का भी काम करते हैं, यानी कि मैकेनिक हैं ये। तो ये देखें भाई, ये सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये नंगर पार्कर बस इतना ही सिटी है, इससे आगे नहीं है? वो उधर है इस साइड पर, मतलब आगे और है। अच्छा अच्छा सही। यहाँ पर कितने हिंदू लोग रहते हैं? कितने परसेंट में हैं? कितने? 40%। अच्छा, बाकी सारे मुस्लिम हैं। अच्छा चले, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें, ये हमारी बाइक है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हो रही, और ये धन जी हैं। धन जी, वाह जी वाह, धन जी आप धन्य हैं। आप भाईजान कहाँ से हो? हम पंजाब से आए हैं। बाइक पे आए? नहीं नहीं, ये बाइक तो इस्लाम कोर्ट से लेकर आए हैं, वहाँ से किसी दोस्त की मांगी है। ये देखो दोस्तों, बाकी ये सिटी है, और सामने वो रेड बोर्ड जो लगा है ना, साइन बोर्ड रेड, उस पर लिखा हुआ है TCS। TCS का मतलब है कि ये कॉरियर वाली कंपनी है, जो कॉरियर वगैरह भेजती रहती है, ठीक है, किसी ने कोई पार्सल वगैरह भेजना हो तो वो भेजती है। बाकी ये दुकानें हैं भाई, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है NBP, वो सामने लिखा हुआ है NBP, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये नेशनल बैंक है पाकिस्तान का, ये देख सकते हैं जी। धन भाई, धन 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 जी, कितने पैसे? 50 जो आपका बनता वो लो ना, बस 50। पक्की बात है? चलें यार, थैंक यू, आपको 50 रुपये हम दे देते हैं। तो भाई ये है जी 50 रुपये। तो धन जी की ये है मजदूरी, जो इन्होंने हमारा काम किया, क्लच वायर डाल के दिया ना, ये 50 रुपये इनको दिया है। धन्यवाद जी आपका, धन जी आप धन्य भी हो, धन्यवाद भी हो आपको। तो चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, एक छोटा सा सिटी था, मैंने आप लोगों को हमने थोड़ा सा ये व्यू दिखा दिया, अभी थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं, तो आपको आगे लेकर चलते हैं। तो बाइक मैं चलाऊँगा इसलिए।
हाँ तो दोस्तों अभी हम एक मंदिर पे आए हैं, ये सामने मंदिर है, आपको मैंने कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है गोस्वामी लक्कण भारती मढ़ी, ऊपर ओम भी बना हुआ है और ये गेट है। अंदर चलते हैं, आपको मंदिर दिखा देते हैं, किसका मंदिर है ये देखते हैं। तो ये देखें जी, भाई राम राम, कैसे हो? ठीक हो? तो दोस्तों ये मंदिर है और ये बेरी है, ये देखें, ये बेरी यहाँ पर लगी हुई है और भी पेड़ हैं, नीम है, जैसे कि ये सीढ़ियाँ हैं और ये महादेव का मंदिर है, वो देखो सामने महादेव बैठे हैं। ऊपर चलते हैं, आपको जो है दिखाते हैं, ऊपर चल कर ना आपको दिखाते हैं ये महादेव का मंदिर, वो देखें, शायद आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन अंदर चल कर आपको वाजे से दिखाते हैं। ये हैं हनुमान जी, ये पहले इनके दर्शन करें, बजरंग बली के ये हनुमान जी है यहाँ पर, ये देखें। तो ये कोई संत हैं दोस्तों, ये देखते हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और ये मंदिर है महादेव का, और ये हैं जी नंदी, ये देखें, ये नंदी और आगे कछुआ बनाया हुआ है, ये किस चीज का है, ये क्यों बनाया है, और ये देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ जय शंकर बम बम भोलेनाथ। ये क्या है, धतूरा तो नहीं है? हाँ ये धतूरा है। तो इधर क्यों रखा है भोलेनाथ के लिए पता नहीं। तो दोस्तों ये कमेंट में बताइएगा, हमें इस चीज का इल्म नहीं है, तो ये बताएं कि ये जो ये चीज है, ये रस्सी आगे आ रही है यार, ये चीज है इधर भोलेनाथ के मंदिर में क्यों रखी है? और दोस्तों ये हैं श्री गणेश जी, तो इनकी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, तो ये भी काफी प्यारे लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर भी त्रिशूल बना हुआ है डमरू के साथ, देख सकते हैं आप। और अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से महादेव को, ये देखें, ये महादेव और उनके पुत्र श्री गणेश जी, ये देखें। तो दोस्तों ये मंदिर था जो हमने आपको दिखाया। ठीक है, और ये बाहर वाली साइड है, अभी हम बाहर आ चुके हैं मंदिर के। ठीक है, तो ये देखें बाहर से कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे, और ये कौन सा पेड़ है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसे आप क्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक मूर्ति पड़ी हुई है, ये देखें, ये पता नहीं किन की यहाँ पर मूर्ति पड़ी है, कोई संत वगैरह हैं ये भी, तो उनकी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। ये लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये देखें। तो दोस्तों ये हिंदी में ना वो गायत्री मंत्र जो हमारा है वो लिखा हुआ है, तो ऊपर सिंधी में भी लिखा है, तो सिंधी में बहुत कम आती है, तो हिंदी फिर भी आ जाती है। और दोस्तों इस साइड से देखें मंदिर को, ये देखें ऊपर वो महादेव का झंडा भी लगा हुआ है, जिसे हम झंडी बोलते हैं। ठीक है, और ये देखें, ये यहाँ पर माता पार्वती और महादेव की यहाँ भी प्रतिमा यानी कि पिक्चर यानी कि फोटो बनाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसी के पास ये देखें पुराने दौर का जो घर जो होते हैं पुराने दौर के, वो यहाँ पर है, ये देखें, ये मैं इस तरह का घर पहली बार देख रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान के अंदर, ये कोई पुराने दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का ही ये है, आप देख सकते हैं भाई ये घर, ये देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये आप इस मंदिर की शेप देख रहे हैं, ये हमने एक जैन टेम्पल पे वीडियो बनाई है, बहुत पुराना जैन टेम्पल है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, उस मंदिर का जो है यानी कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, सेम ऐसी ही डिजाइनिंग है मंदिर की, जैसे ये महादेव मंदिर की डिजाइनिंग है ना, सेम ऐसी ही शेप है उस मंदिर जैन टेम्पल की भी, तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अभी मंदिर के अंदर ये गायें आ चुकी हैं और इनको जो है चारा डाला गया है, अभी क्या है चारे के अंदर पता नहीं है, ये देखो ये शायद कोई भूसा वगैरह पता नहीं क्या डाला है, तो ये सामने भाई हैं, इनसे चलकर पूछते हैं, ये देखें ये गायें जो है ना हमारे गौ माता ये खा रही हैं। तो भाई राम राम, क्या नाम है आपका? धनो। धनो भाई का नाम है। तो ये गाय को आपने क्या डाला है? ये चूना है। चूनो ये चूना मतलब कैसा है, ये किस चीज का होता है? ये चूनो मिल में सिंदो है। मिल में सिंदो है, मिल में चूना बनता है, वो आप इनको खिला रहे हो? अच्छा, ये खा लेती हैं? ये दोस्तों पता नहीं किस चूने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो काइंडली हमें भी समझाएं, बाकी भाई को तो नहीं पता, ये नहीं समझा पा रहे, या बस चूना ही बोलते हैं इसको, तो होगा कोई खाने लायक, कोई भूसे टाइप होता है ना जो, शायद वो हो सकता है। तो दोस्तों ये था नंगर पार्कर का सिटी, छोटा सा सिटी है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर संख्या नहीं रहती। ठीक है, तो 50% हिंदू है और 50% मुसलमान रहते हैं यहाँ पर। बाकी आपको मंदिर भी दिखाया, महादेव का मंदिर, उसको सारा अच्छे तरीके से आपको दिखाया। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देख लें बाहर से इस मंदिर को, ये देखें भाई
तो ये बाहर से मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है और गौ माता अपना खाना वगैरह खाकर बाहर आ चुकी हैं। तो ये रहा मंदिर, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।